Assalamualaikum guys, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले व्लॉग में हम न्यू कैट लेके आए थे, जो हमने लेनी थी, जिसका नाम था लैला। और हमने पिछले व्लॉग में ज़ोरो की कंडीशन भी दिखाई थी। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कैट हो गई हैं 4, ग्रे, स्मोकी, ज़ोरो और लैला। तो मैंने आपसे बात करनी है स्मोकी के बारे में। स्मोकी ने ऑलमोस्ट 5 मंथ पहले ना बेबी डिलीवर किए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ ये स्मोकी के बारे में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्मोकी ने जो उनसे बेबी डिलीवर किए थे वो 4 थे, तो जो सेल हो गए थे सारे। तो स्मोकी ने जब बेबी डिलीवर किए थे उससे 10 दिन बाद स्मोकी जो है ना वो हीट पर आ गई थी। तो मैंने उसकी हीट करवाई स्किप, और उससे ऑलमोस्ट कोई 1 मंथ के ना बाद ना स्मोकी फिर से हीट पर आ गई। तो मैंने उसकी फिर से हीट स्किप करवाई। उसके बाद मुझे नहीं पता स्मोकी कब हीट पर आई और कब वो मेट भी हो गई ग्रे के साथ। तो अब मैंने ना उसको ना 1 वीक पहले ना देखा है कि मुझे ना सिम्टम शो हो रहे हैं कि वो ना बच्चे देगी। तो आज मैंने देखा है तो मुझे लग रहा है कि वो आजकल में बेबी डिलीवर कर ही देगी। तो मैंने बस आपसे यही बात शेयर करनी थी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब एक और बात कि अब आप में से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने इसको दोबारा से मेट करवा दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने नहीं करवाया, ये मुझे भी नहीं पता कब मेट हो गई है। तो अब जो है था वो हो गया। तो स्मोकी जोन सी है उसका वेट जो है ना जितना पहला था उतना ही है। तो बच्चे जब सेल हो गए थे सारे, इसके मैंने डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी थी, यही बॉयल चिकन और हो गया आलू, में आलू और चिकन बॉयल करके दे दिया इसको, और फिश ऑयल भी मैं इसको देता हूँ। जो कैप्सूल आते हैं ना छोटे छोटे, वो मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं बाहर से, वो भी मैं इनको देता हूँ। और स्मोकी जोन सी अब है ना, तो ये अभी इधर ही थी, पता नहीं बाहर चल गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके जोन से बालों की ग्रोथ है, और उसका वेट जोन सा है वो बिल्कुल ठीक है, और हेल्थी भी काफ़ी हो गई थी। तो जब इसने बेबी डिलीवर किया था काफ़ी वीक थी, पर अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट्स लेटर ये देखें जी, आप देख सकते हैं स्मोकी को, इसकी ये सेहत देख लें और इसके ये फर की ग्रोथ देख लें आप, बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी है थी जब मैंने ली थी उतनी ही है सर्दियों में। बाकी जो उनसी कैट होती हैं उनके फर वगैरह जो उनसे होते हैं ना गर्मियों में कम हो जाते हैं। इसके देख लें आप, बिल्कुल परफेक्ट है और इसका वेट भी उतना ही है। आप में से कुछ लोग ये भी मुझे कमेंट करेंगे कि आपने इसको इतना गंदा रखा हुआ, मैं इसको साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। वो ना छलांगे वगैरह मारती है, इसलिए मैं इसको साफ़ नहीं कर रहा ताकि इसको कोई नुकसान ना हो जाए। ये देखें, ये मैंने AC चलाया हुआ था और इसको मैंने अंदर कमरे में रखा हुआ। ये देखें, ये आप दोनों को देख सकते हैं, ये इसको मैंने ना नहलाया था कल। ये ना अपने आप को साफ़ करती है, तो इसने नीचे से ना अपने आप को साफ़ कर करके ना अपने सारे बाल ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसने अपने सारे बाल उतार लिए। बस ये इतना सा ये पूछा रह गया था, घर पर कोई है नहीं था तो मैंने ये नहीं उतारा। बहरहाल ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो ये इस तरफ से सारे, ये देखें इसका ये बड़ा सा मैट बना हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि वो खुद ही उतार देगी, उसने साफ खुद ही अपना आपको साफ कर करके ना सारा उतार दिया था। तो मैंने बस इसको इस तरह हल्का सा इस तरह वो सीजर के साथ ना ऐसे ऐसे वो काटा थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। बहरहाल जी खाना वगैरह बिल्कुल खा रही है, ठीक है, बिल्कुल फिट है। इसको अब दोबारा से बात देंगे, अगर घर कोई हुआ तो इसको पकड़ के ना, ये देखें ये यहाँ से भी इसके बाल काफ़ी ख़राब हुए हैं, ये इसको ब्रश वगैरह करेंगे, साफ वगैरह फुल कर देंगे। अब आपको अपनी दूसरी कैट दिखाता हूँ लैला, जो हम कल लेके आए थे। और जब आई थी तब तो थोड़ा डर रही थी ना, तो ग्रे के साथ वो अग्रेसिव भी हो रही थी थोड़ी। तो अब मैंने उसको ग्रे के साथ छोड़ा, पर वो ना इतना मार नहीं रही, उसको ग्रे को पास आने दे रही है। तो उसकी ग्रे के साथ दोस्ती हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ लाकर उसको भी। ये देखें जी, देख मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या कर रही है, जैसा कि देख मैंने आपको बताया ये नवीन कैट है, बहुत प्यारी करती है। बस भाई ने उसको पता नहीं किस तरह रखा था, इतनी प्यारी कैट है वो, उसकी केयर नहीं की उन्होंने।
बहरहाल जो होना था तो हो गया, अब मैं इसका फुल ध्यान रख रहा हूँ, केयर इसकी मैं फुल कर रहा हूँ, तो आपको दूसरी गैट में ला कर दिखाते। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये लैला अब ये आपके सामने है, इतना ये डर नहीं रही, मेरे पास भी आराम से ही है। लैला ये नीचे जोरो भी आई हुई है, ये मैं इसको जोरो के पास छोड़ के दिखा, ये जोरो भी नीचे ही है। जोरो क्या हुआ है? ये आपके सामने है इसकी, अब दूसरी कैट की जोरो के साथ भी थोड़ी दोस्ती हो गई है। मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बहुत देर से अपने ब्लॉग में ग्रे को नहीं दिखाया, तो आज के ब्लॉग में हम ग्रे को भी दिखाएंगे। देखें ये आप देख सकते हैं ग्रे, ये सारों को हेलो को हेलो, ये देखें ये आपके सामने है ग्रे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको मैं बार बार नहला देता हूँ, तो जिसकी वजह से ना इसके ना ये इधर नीचे ना थोड़े से मैट वगैरह बने हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये गर्मी थोड़ी कम होगी ना तो हम इसके सारी कैट को ना अपनी की ये मैट वगैरह ना उतारेंगे और सफाई वगैरह भी इनकी ठीक से करेंगे। अब ये देखिए ये जोरों मुझे नीचे से बार बार वादे दे रही है, आपको वादे आ ही रही होंगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है, मच 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 लेटर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर देना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।